भाई साथियों, आज हम लोग सत्याग्रह में, आज जो पंकज पुष्कर जी, जो पूर्व विधायक दिल्ली से रहे हैं और लगातार सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में हम लोगों के तमाम आंदोलनों के साथी रहे हैं, अगुवा रहे हैं। और पंकज पुष्कर जी से मेरी पहली मुलाकात आजादी बचाओ आंदोलन के इलाहाबाद में बनवारीलाल शर्मा जी के ऑफिस पे हुआ था। बीडी शर्मा जी से भी आपके जरिए मेरा परिचय हुआ था। और उस दौर में जो किसानों को लेकर जो जो चर्चा उसमें इतनी व्यापक तौर पे नहीं थी उस समय भी, लेकिन लगातार पंकज जी और बीडी शर्मा जी लगातार इन सवालों को उठाते रहे थे। और आज जब किसान आंदोलन में इतने व्यापक पैमाने पर आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे दशा में मैं एक वाक्य का आप लोगों को शेयर करते हुए मैं पंकज पुष्कर जी को आमंत्रित करूंगा कि पंकज पुष्कर जी ने उस दौर में मुझे बताया कि जो किसान हैं जिनको लोनिंग के नाम पे और उनको गिरफ्तार करने का जो सिलसिला शुरू होता है, उनको हवालातों में बंद किया जाता है, उस पर सवाल उठाना चाहिए। और मैंने आजमगढ़ में एक न्यूज में अमर उजाला में छपी थी जिसमें एक किसान को हवालात में बंद कर दिया गया था, और मैं इन्हीं के जो बताए हुए उसके राइट्स पे मैंने एक लेटर लिखा और बाद में एनएचआरसी ने उसको संज्ञान में लिया और डीजीपी ने संज्ञान में लिया। और बाद में न सिर्फ उस किसान की जो पूरा लोन माफ किया गया, बल्कि जो तहसीलदार थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो मैं सबसे पहले पंकज पुष्कर जी को मैं स्वागत करते हुए सत्याग्रह में इसी सवाल से शुरू करता हूँ कि जिंदाबाद साथी, कि जो हम लोग जब वहां पर बैठे थे इलाहाबाद में, जो किसान के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे थे, और आज जो किसान आंदोलन भारत में इतने बड़े व्यापक स्तर पर फैल गया है, चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है, तो उस दौर में और इस दौर में का सफर कैसे वो देखते हैं? जी जी पंकज जी। जी क्या मुझे शुरू करना है? बीच में जी 30 सेकंड के लिए जी हाँ आपकी आवाज थोड़ी सी बाधित हुई। हाँ जी पंकज जी, मेरा कहना है कि जो एक दौर में जब किसान आंदोलन के बारे में बहुत सारे लोग नहीं कहते थे, किसानी मुद्दा नहीं बन सकती है, नौजवानी मुद्दा नहीं बन सकती, रोजगार मुद्दा नहीं बन सकता है, लेकिन उस दौर में आज से 10 साल पहले जो बात होती थी और आज के दौर में जब ये बात हो रही है, तो इस बीच के सफर को आप कैसे देखते हैं? कि क्या कैसे लोगों ने संघर्ष की इस रास्ते को बनाया, कैसे ये खड़ा हुआ? मैं इसी पर से बात शुरू करना चाहता हूँ। जिंदाबाद साथियों, धन्यवाद बहुत बहुत सभी उन साथियों का जिन्होंने कि किसान के सवाल पर ये सत्याग्रह शुरू किया और सत्याग्रह चर्चा के तौर पर किया। बहुत बहुत जिंदाबाद। पूरा भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, जो कि हम में से बहुत लोग मानते हैं कि 1947 में समाप्त नहीं हुआ, केवल एक पड़ाव तक पहुंचा और आगे की यात्रा जारी है। उसके सारे हम साथी लोग, सिपाही लोग, और भारत का जो राष्ट्रीय संघर्ष है, स्वतंत्रता संघर्ष है, अलग अलग रूपों में 1947 से लेकर आज तक आगे बढ़ा है। किसान आंदोलन उसी का हिस्सा है। फासीवादी राज्य के खिलाफ, पुलिस राज्य बन जाने के खिलाफ आंदोलन उसी आजादी की लड़ाई का, शहीदों की शुरू की गई लड़ाई का हिस्सा है। और इसके अलावा अनेक अन्य मोर्चों पर जो रचनात्मक संघर्ष चल रहे हैं वो सब उसके हिस्से हैं। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए साथी, सबसे पहली बात मैं, और जो जिक्र राजीव भाई ने किया, और राजीव यादव और मुझे एक और साथी याद आ रहे हैं, शाहनवाज आलम, और उनके साथ हुए एक संवाद से मैं एक बात आगे बढ़ाता हूं। इसके अलावा आप और हम जैसे तमाम लोगों की पिछले 25-30 वर्ष की जो यात्रा है, उस यात्रा से निकली हुई सैकड़ों कहानियां हैं, जो जिन कहानियों को कहा जाना है, एक दूसरे को सुनाया जाना है आज के रास्ते से आगे बढ़ने के लिए। तो मुझको याद आ रहा है इलाहाबाद की एक शाम और एक पूरी रात का रथ जगा, जब राजीव यादव
और कुछ और साथी जो कि बाद में जिन्होंने रिहाई मंच के नाम से बहुत बड़ा संघर्ष किया, उनका बहुत खुलेआम ये बिल्कुल आग्रह था, मानना था कि भारत में फासीवाद आ रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में सांप्रदायिकता की आड़ में पुलिस राज्य बन रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उस समय मैं और मेरे कई साथी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि गांवों को और किसानी को खत्म किया जा रहा है और एक नए किस्म का नव उपनिवेशवाद फैल रहा है, जिसके हमले की उस हमले का जो टारगेट है वो किसानी है, खेती किसानी है, हर तरह का रचनात्मक सृजनात्मक श्रम करने वाला भारत का बिल्कुल साधारण मनुष्य है और गांव है। और उस बहस से लेकर आज तक अगर हम देखते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, स्वीकार करना चाहूंगा कि असल में दोनों बातें सही सिद्ध हुई और हमें एक सबक ये मिलता है कि दरअसल दोनों बातें, मतलब ये बात भी रिहाई मंच के या फिर जो उस समय साथी कह रहे थे, राजीव यादव कह रहे थे, शाहनवाज कह रहे थे और बहुत साथी कह रहे थे, एडवोकेट सुरेश साहब कह रहे थे, संदीप पांडे जी हमेशा कहते रहे हैं कि भारत में सांप्रदायिकता की आड़ लेकर एक पुलिस राज्य बन रहा है, फासीवाद आ रहा है, ये बाकी सबसे पहले, बाकी सबको बाद में एहसास हुआ, उससे लगभग 10 वर्ष पहले से कहना आपने शुरू कर लिया। और ये बात शायद उतनी गंभीरता से मुझ जैसे बहुत साथियों को समझ में नहीं आई, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर से इसको स्वीकारता हूं कि आप बिल्कुल सही थे और हमको समय रहते कहीं ज्यादा सचेत होना चाहिए था और हमें अपने संघर्षों को पैना बनाने का काम, धारदार बनाने का काम और अपने संघर्षों को एक दूसरे से जोड़ने का काम पहले से ही करना चाहिए था। लेकिन इसी मौके पर मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि जो डॉक्टर बीडी शर्मा की परंपरा, एक कॉमरेड ज्ञान सिंह जी थे उनकी परंपरा, भारत जन आंदोलन बनता है उसकी परंपरा, एक किसानी प्रतिष्ठा मंच बनाया जाता है उसकी परंपरा, और उससे बहुत पहले मतलब भारत के लोकतांत्रिक संघर्षों को करते हुए किसानी का सवाल प्रमुख है, ये बहुत लोगों ने बहुत पहले से कहा। मैं ध्यान दिलाऊं कि जो समाजवाद की पृष्ठभूमि से आते हैं, भारत का जो एक देशज समाजवाद है, राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, इनकी परंपरा से आते हैं। मैं ध्यान दिलाऊं कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथियों को ध्यान दिलाऊं कि लोहिया के समय में और जो आज का बुजुर्ग हुआ समाजवादी नेता है, उस समय वो लड़का था, बच्चा था, नौजवान थे वो किसानी के सवालों पर और नहर पर जो शुल्क था उससे संघर्षों में उसके लिए जेल भरने से शुरू हुआ। और वो जो 60 के दशक के नारे थे कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, वो नारे, उन नारों के बीच हम में से बहुत सारे लोग पले हैं, बड़े हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और वो लोग केवल गैर राजनीतिक आंदोलनों के लोग नहीं थे, वो राजनीतिक पार्टियों के लोग थे। आज मुझे राम मनोहर लोहिया जी की बहुत सारी लिखावट याद आती है और वामपंथी आंदोलनों में भी बहुत सारे लोगों की याद आती है, और जो बिल्कुल चौधरी चरण सिंह की भी याद आती है मुझको इस मौके पर, जिन्होंने कि कहा कि खेती किसानी इस देश के वर्तमान और भविष्य से अनिवार्य तौर से जुड़ा हुआ है। ये भारत के 50 के दशक और 60 के दशक में ये बात बहुत सारे लोगों को इस बात का एहसास था, जो पूरा आजादी का आंदोलन था और आजादी के आंदोलन को जो 20 का दशक था, 30 का दशक था, 40 का दशक था, उसमें इस बात का भरपूर एहसास जिंदा था। भारत को किसी एक ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ाना है जिसमें कि 5वां वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग की तरफ धकेलना है, भारत में कुछ कॉरपोरेट घरानों का वर्चस्व होगा इस तरह बढ़ाना, ये वहां पर नक्शा नहीं था। ये किसी हमारे आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले किसी क्रांतिकारी का सपना, ये सपना नहीं था जहां आज देश को धकेल दिया गया है। थोड़े बहुत अंतर के साथ सभी खेती किसानी को केंद्रीय भूमिका में देखते थे। तो दोस्तों, सबसे पहली तो मैंने आपके सामने ये स्वीकारोक्ति पेश की कि आज का सबसे पहला सबक ये है कि स्वतंत्रता पर हमला, पत्रकारों पर हमला, पुलिस रिफॉर्म की जरूरत, पुलिस को एक हथियार बना लेना और पुलिस राज्य बना देना, नौजवानों को आवाज कहने वाले
नौजवानों को किसी भी तरीके से फ्रेम करना, उनको अर्बन नक्सल कह देना, उनको टेररिस्ट कर देना, उनको उनको बिल्कुल नाजायज तरीके से जेलों में बंद रखना, जो रिहाई मंच का प्रमुख मुद्दा है वो, और किसानी के सवाल, गांवों को बचाने के सवाल, मजदूरों को बचाने के सवाल, ये सारे सवाल बिल्कुल एक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस क्षण में मुझको सप्त क्रांति की वो आवाज याद आती है, पीछे मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जहां से मैं पढ़ के और जहां से सीख के, जिस परंपरा से कह रहा हूँ, तस्वीर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की देख सकते हैं आप मेरी बातों को एक बेहतर संदर्भ देने के लिए। तो मैं याद दिलाऊं कि हम उस समग्र क्रांति, सप्त क्रांति और एक सतरंगी क्रांति की परंपरा से आते हैं, जिसमें कि आर्थिक न्याय का सवाल, सामाजिक न्याय का सवाल, सिविल राइट्स का सवाल और नस्लवाद के खिलाफ की बात, आदमी और औरत के बीच और सभी जेंडर्स के बीच समता की बात, ये सारी लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम उस परंपरा से आते हैं, लेकिन हमारे संघर्षों में शायद वो जो हमारे संघर्षों की सामूहिकता है, जिसको समाज विज्ञान के छात्र इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं, जिसको कि एक बहुत साधारण शब्दों में लोहिया ने बहुत पहले सप्त क्रांति कहा, और जो जमीन से जुड़े लोकतांत्रिक आंदोलनों के और वामपंथी जनवादी आंदोलनों के लोग थे, उन्होंने समझा कि भारत में जाति का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, भारत में आदमी औरत इज्जत का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, भारत में रंग भेद ना हो इसका भी, राज्य पुलिस राज्य ना बने ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और नागरिक इस तारीख परंपरा से हम लोग आते हैं। तो बिल्कुल साफ हो गया कि इस देश की जुडिशरी की स्वायत्तता को का अपहरण किया जा रहा है, यह आज के समय हो रहा है। आज भारत का संविधान का जो संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी अस्मिता, उसकी स्वायत्तता, उसकी संवैधानिक मर्यादा, मैं कहूंगा तार तार हो चुकी है। यही आज का वो समय है, यही वो सब समय है जब मीडिया पूरी तरह से सत्ताधीशों, राजनीतिक दलों और कुछ कॉरपोरेट ताकतों के हाथ का खिलौना बन चुकी है, उनका रिमोट कंट्रोल बन चुकी है। यह आज ही का समय है, यह आज ही का समय है जब पुलिस को पूरी तरह से, आप चाहे दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों की कहानी देखो, चाहे किसान आंदोलन को के दमन का आप इतिहास देखो और वर्तमान देखो, चाहे उत्तर प्रदेश में एसआर दारापुरी जैसे सच्चे जनसेवक और सच्चे संघर्षी योद्धा को फ्रेम करने का मामला, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिश, उनको बदनाम करने की कोशिश, और उस कोशिश में पुलिस का इस्तेमाल देखो, चाहे एक के बाद एक होती हत्याएं, बलात्कार और दलित और आदिवासियों और पिछड़ों को और मुसलमानों को बदनाम करना और उनको उनको उनकी उनके मूलभूत नागरिक अधिकारों को नष्ट करने का, ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो ये शायद इन संघर्षों ने हमको सिखाया है कि हम लोगों का जो बुनियादी रास्ता है उसमें बहुत सुधार की जरूरत हो सकती है, लेकिन वो बुनियादी रास्ता सही रास्ता है। वो सही रास्ता क्या है, जिसमें कि खेती किसानी की बात, भारत में नागरिक स्वतंत्रता की बात, भारत में जाति के अत्याचार को खत्म करने की बात, भारत में सभी जेंडर्स के साथ उनकी मानवीय गरिमा और उनकी उनकी उनके समता का सवाल, भारत में अंतरराष्ट्रीय उपनिवेशवाद के सामने खड़ा होने की बात, भारत में एक मानसिक स्वराज लाने की बात, जो हिंद स्वराज का एक मूल स्थापना है कि भारत की मिट्टी से एक देशज किस्म का समाजवाद, एक देशज किस्म का लोकतंत्र पैदा होगा, और हमको ये सारे सवाल जुड़े हुए सवाल है। और आज का जो आंदोलन है, आज का आंदोलन उन सारी भूलों को दूर करने का आंदोलन है, पुरानी चीजों से सबक लेने का आंदोलन है, और मेरे ख्याल से हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा रचनात्मक क्षण है, सबसे ज्यादा सीखने का क्षण है, सभी शक्तियों को एक दूसरे से के सम्मान करने का, नए सिरे से समन्वय बनाने का, नए सिरे से तालमेल बनाने का एक आंदोलन है। और मुझको लगता है कि मैं उस भविष्य की कल्पना कर रहा हूं, एक बहुत खूबसूरत और छोटे से दक्षिण अमेरिका के देश, क्या नाम था उसका, जहां इवो मोरोलॉस नाम का एक आदिवासी समाजकर्मी, एक आदिवासी आंदोलन कर्मी के नेतृत्व में वहां पर राजनीतिक सत्ता की तरफ बढ़ते हैं, उसकी पार्टी का नाम था मार्च, मतलब वो मार्च टुवार्ड्स, मतलब वो मूवमेंट फॉर इक्विटी, मतलब आंदोलन वाली ताकतें इस देश की हकदारी जताती हैं, और वो राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस होने के नाते बताते हैं कि देश इस तरह चलेगा। तो
आज जो किसान आंदोलन है वो केवल किसान आंदोलन नहीं है, मेरा कहना है वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत के उपनिवेश विरोधी जो परंपरा है राष्ट्रवाद की, इस देश को नए सिरे से बनाने की, इस देश की जो स्वतंत्रता संघर्ष है उसके सच्चे वारिस जो है वो आज का किसान आंदोलन है। और ये आज अभूतपूर्व क्षण है, जबकि जो गैर राजनीतिक आंदोलन है, तो गैर राजनीतिक नहीं कहना चाहिए, गैर चुनावी राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, अराजनीतिक जैसे और तमाम 35 किसान संगठन और उनके पीछे 550 किसान संगठन, वो भी बिल्कुल मोर्चाबंदी कर रहे हैं। और भारत का हर ईमानदार राजनीतिक दल चाहता है कि वो उनसे सीखे और वो उनका सहयोगी बने। भारत का कलाकार, भारत का बुद्धिजीवी, भारत का नौजवान, भारत का दलित, भारत का स्त्री आंदोलन, ये सब एक दूसरे के साथ एक नया रिश्ता बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक मिनट आपसे रुकते हुए बात पूछना चाहेंगे, जिससे आपने राष्ट्रवाद का भी अभी बातों में बात आई जो है, जिसे लगातार इस तरह से बोला जाता है कि इसे लगता है कि इस देश में किसान की, नौजवान की, मजदूर की कोई भूमिका नहीं है, और इस देश में ऐसा एक फील भी करवा दिया गया है जिससे लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी जो है कॉरपोरेट पे है। तो मैं चाहूंगा कि इसी बात में जो है, अगर बात आगे बढ़ाते हुए, भारत के निर्माण में जो किसान की जो भूमिका है, जो पिछली भी थी और आगे कैसी भूमिका होगी, और खास तौर पे जो ऐसे कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था, तो कृषि एक सेक्टर था जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया, या कि सिर्फ और सिर्फ मात्र किसी एक सेक्टर था जिसने रोजगार दिया, तो किसान की जो भारत के निर्माण में जो भूमिका है उसके बारे में मैं चाहूंगा कि उस पर आप अपने प्रकाश। मैंने एक बड़ी बात बहुत ज्यादा लंबी कर दी, अब मैं कोशिश करूंगा और आप मुझको बीच में रोकना कि मैं छोटी छोटे हिस्सों में बात कहूं, लंबा भाषण नहीं दूं। मैं दोस्त फ्रांसीसी क्रांति का उदाहरण याद दिलाते हुए आप कहना चाहूंगा कि इस देश का जो 90% बल्कि 95% जो इस देश का मेहनत का स्वर्ग है, जिसका अगुआ किसान है, जिसमें सारे दस्तकार, कारीगर, सभी तरह के श्रमिक शामिल हैं, जिसमें डोमेस्टिक वर्क करने वाली वो सारी महिलाएं शामिल हैं, जिसमें कि जिनके बारे में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया कि सभी स्त्रियां अपने दर्जे में शूद्र हैं, वो सब वही इस देश की निर्माता हैं। वो देश की नहीं, मैं कहूंगा कि भारत अगर किसी सभ्यता का नाम है, भारत अगर किसी संस्कृति का नाम है, तो उस संस्कृति के, उस सभ्यता के निर्माता ये हैं। और बीच में जो उपनिवेशवाद का जो काल रहा है, मैं कहूंगा कि वो निर्माता मुगल काल तक, बहादुर शाह जफर तक वही निर्माता था और वही रहता है। अंग्रेज ने आके इस देश के ताने बाने को तोड़ा, उस उपनिवेशवाद ने तोड़ा, और भारत के 1947 के बाद की आजाद सरकारों ने वो गलतफहमी पैदा की कि इस देश का निर्माता, उन्होंने कुछ दशकों के लिए ये गलतफहमी पैदा की कि शायद इस देश का निर्माता किसान नहीं, वही है। और उसी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का जो शेष भाग है वो यही है कि इस देश की जनता में वो आत्मविश्वास पैदा करना है कि इस देश का जो किसान है, जो इस देश का श्रमिक है, मजदूर है, इस देश की जो महिला है, औरत है, घर के अंदर हो चाहे खेत के अंदर काम करने वाली हो, वही इस देश में सारा हर सब कुछ उनका बनाया हुआ है। मतलब आप चाहे कलाओं का नाम लो, चाहे खेलों का नाम लो, चाहे वैज्ञानिक, इस देश में जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार एक पशु की खाल उतारी, उस खाल को टैन करके उस चमड़े को उपयोग योग्य बनाया, जिसने उस चमड़े का सबसे पहली बार एक जूता बनाया, वो इस देश के पहले आविष्कार, इस देश के सबसे शुरुआती वैज्ञानिक हैं, वो निर्माता हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। जिस किसान ने हल का आविष्कार किया और उससे लेकर आज तक ये बताया, और किसान ही नहीं, उससे पहले किसान आदिवासी का बेटा है, उन आदिवासियों ने हजारों दसों हजारों साल के अपने अनुभव से ये बताया कि भैया ये चीजें खाने लायक है, ये चीजें खाने लायक नहीं है। देखो जंगल में बहुत कुछ होता है, लेकिन उसमें से ये वनोपज जो है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है, वो हमारे उपयोग योग्य है, और कुदरत ने इतना कुछ दिया है, उस कुदरत से मिलकर जीना है, उस जमीन से मिलकर जीना है और उत्पादन करना है, आराम से आनंद के साथ रहें। ये आदिवासियों ने इस देश और इस सभ्यता, इस संस्कृति को बनाया है, हम गलतफहमी में ना जाएं। ये देश में जो उत्पादकता है, इस देश का निर्माण इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग नहीं करता है, इस देश का निर्माण, देश ही नहीं मैं कह रहा हूं, सभ्यता संस्कृति का निर्माण इस देश का
अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग नहीं करता है, इस देश का नौकर सहा नहीं करता है, इस देश का विधायक या मंत्री नहीं करता है, वो किसान ही करता है। अभी तक भी उसने किया है, आगे भी वही करेगा। मुझे ये बात कहकर अभी रुक जानी चाहिए, इसको और आप कहेंगे तो दूसरे नजरिए से देखेंगे। शुक्रिया पंकज जी। पंकज जी, जैसे कि बार बार इसे GDP FDI जैसे बहुत बहस होती है, और जैसे लगता है कि GDP में इस देश के नौजवान किसान मजदूर की कोई भूमिका ही नहीं, और खास तौर पर फिर कहा जाता है कि इसे लगता है कि FDI नहीं आती थी उसके पहले इस देश में कोई अर्थव्यवस्था चलती ही नहीं। तो वो क्या, कौन सी अर्थव्यवस्था थी जो इस देश में FDI के न आने पर चलती थी, कौन चलाता था उसको? और जो GDP का कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि किसान आंदोलन, अगर किसानों को इतना सब कुछ दे दिया जाएगा तो हमारी GDP कमजोर हो जाएगी, लाश कर जाएगा, और जैसे लगता है कि वो खा जाएगा और हिस्सों का, और लोगों के इस देश के तमाम तबकों का हिस्सा खा जाएगा किसान, ऐसी जो बात की जाती है, इस पर मैं चाहूंगा बात। साथी, इस विषय पे मैं फिर संक्षेप में बात करने की कोशिश करूंगा। मैं एक नाम अभी जाना है आपके सामने लेना चाहूंगा, वो नाम है कॉमरेड ज्ञान सिंह। वो उनके कहे को पढ़कर जितना उन्होंने कहा उसका दसवां हिस्सा कह पा रहा हूँ। मैं उनकी एक किताब का नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ, सभी साथी जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, और अगर वो किताब पढ़नी है तो उसको बिल्कुल लागत मूल्य पर मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। उस किताब का नाम है देश हमारा रहा हमारी। एक और किताब का नाम है कि इस देश का भविष्य खेती किसानी है। एक और तमाम किताबें हैं, और एक किताब है डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा की, केवल 15 रुपए में पहले वो छपी थी। आप कहोगे तो मैं कम से कम मूल्य में सब साथियों तक पहुंचाऊंगा। वो है किसान की गरीबी का राज, किसान की गरीबी का राज, एक किसानी घोषणा पत्र। इन दोनों लोगों ने, BD शर्मा और ज्ञान सिंह जी ने, और हमारे जैसे मुंशियों की मदद लेकर उन्होंने लिखा बनाया, वो मैं पढ़ने की दावत आपको देता हूं। क्योंकि आज मैं केवल इशारा कर पाऊंगा, आप और हमारी यात्रा तो अभी बहुत आगे तक चलनी है, तमाम जिंदगी लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन मैंने ये जो कुछ, एक डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा की किताब का नाम है वेब ऑफ पॉवर्टी। अब जो शोध करना चाहते हैं वो इतनी मोटी किताब है, गरीबी का मकरजाल नाम से भी वो छपी है। मैं इन किताबों से मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, इस देश में जो झूठ फैलाया गया है वो ये फैलाया गया है कि किसानों को सब्सिडी दी गई है। किसान तो टैक्स नहीं देता है, किसान को तो, किसान तो सरकारी दामाद है। ये सारे अगर इस हमारे पिछले 200 साल में बोले गए 10 सबसे बड़े झूठों में से झूठ 10 सबसे बड़े झूठों को दर्ज करना पड़ेगा। मैं आपको कहना यह चाहता हूं, मैं 15 साल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूं, 16 साल में मैंने नौकरी छोड़ दी। अगर मैं 20 साल नौकरी पूरी कर लेता तो मुझको जिंदगी भर के लिए 70,000-80,000 रुपए की पेंशन मिलती, और अगर मैं नौकरी 30 साल कर लेता तो 1,00,000 रुपए की पेंशन मिलती मुझको। ये तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये संगठित वर्ग है जो भारत के कॉरपोरेट के हाथ में सत्ता गई है और उसके हाथ में साधन गए, उनका अलग से जिक्र करेंगे। लेकिन पहचानने के लिए दो भाई हैं, एक का नाम है पंकज और एक का नाम है नीरज। पंकज नाम का व्यक्ति शहर में जाकर पढ़ने का मौका मिल जाता है, वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है, उसको 1,00,000 रुपए महीने की, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक की पेंशन मिलती है। और एक अगर नीरज किसानी करने लगता है तो उसको उसके श्रम का कभी मूल नहीं मिलता, उसको कभी इज्जत नहीं मिलती, वो उसकी मेहनत के मोल को सरकार तय करती है, उसके न्यूनतम वेतन को सरकार तय करती है, और बहुत भयंकर बेईमानी के साथ करती है। उसके बारे में शायद 1-1 घंटे की कई बार हमको बात करनी पड़ेगी उस पूरे षड्यंत्र को समझने के लिए। और अगर वो किसी कमजोरी में है तो उसके लिए हमने पेंशन 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए तय किए, और वो भी सबको मिलती नहीं है। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को सबको मिलती है, जो पुराने वाले थे वो पेंशन स्कीम भी बर्बाद कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप देखिएगा, दो सगे भाई हैं, दोनों एक मिट्टी में पैदा हुए, दोनों ने एक रोटी खाई, एक शहरी व्यवस्था में और संगठित वर्ग में शामिल हो गया और एक जो है किसानी करने लगा, तो वहां 1,00,000 और 1,000 का अंतर है। ये जो गैर बराबरी पैदा की गई है, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल, अनजस्टिफाइड, अनफेयर इनइक्वलिटी है। ये इस देश के संसाधनों की लूट है। कहने का मतलब ये है कि वो 5% लोग जो कि संगठित वर्ग में रहेंगे और जो उनके साथ तालमेल बनाकर कॉरपोरेट
कैपिटलिज्म के हिस्सेदार रहेंगे उनको इस देश के संसाधनों को लूट के दिया गया है। वो संसाधन किसके लूटे गए हैं? वो सारे संसाधन हाथ की मेहनत करने वाले, वो सारे संसाधन जो जो प्राकृतिक तरीकों से जीते हैं, घुमक्कड़ी में जीते हैं, वो जो कि हंटर गैदरर कम्युनिटी से आते हैं, जो किसानी संस्कृति से आते हैं, वो संसाधन उनसे लूटे गए, वो प्रकृति से लूटे गए हैं या हाथ की मेहनत करने वालों से लूटे गए हैं। आप ये बताइए कि आप किसी भी चीज पर हाथ रखिए, उस चीज को बनाने आप लेकर संसद से लेकर अंबानी की अंटिला तक आप किसी भी चीज पर हाथ रख दीजिएगा, उसको बनाने के संसाधन आए कहां से? वो सारे संसाधन इस देश के उत्पादक वर्ग ने पैदा किए। तो इसलिए सबसे बड़ा झूठ ये है कि भैया ये जीडीपी ये कर रहे हैं। वो जीडीपी केवल एक बहुत बड़े खेल का नाम है, बहुत बड़े फरेब का नाम है, बहुत बड़े झूठ का नाम है। इस देश में उत्पादकता श्रमिकों ने की है, मजदूरों ने की है, किसानों ने की है, इस देश की महिलाओं ने की है, इस देश की आदिवासियों ने की है। मैं एक बात कह के बात को समझने के लिए एक और उदाहरण देता हूं कि हमारे एक प्यारे प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा, सरल थे, सीधे थे, सच्चे थे। उन्होंने कहा कि हम 100 रुपए भेजते हैं, गांव में 15 रुपए पहुंचते हैं, वो 85 रुपए बीच में ही कहीं अटक जाते हैं। उन्होंने सही एक सच्चाई की तरफ इशारा किया, लेकिन उन्होंने केवल एक सच्चाई के आधे हिस्से को बताया, आधा हिस्सा वो भी कहने से चूक गए। पूरा हिस्सा ये है कि पहले तो भैया इसका जवाब दो कि वो 100 रुपए आपके पास देने के लिए कहां से आए, आपके पास उन कौन से रुपयों का पेड़ लगा हुआ है जहां पर वो पैसे लगते हैं भेजने के लिए, आपके यहाँ कौन सी टकसाल है, वो पैसे देने की सामर्थ्य आपके अंदर कहां से आई। सच्चाई ये पूरा वाकया ये है, पूरी कहानी ये है कि हम किसानों ने, हम आदिवासियों ने, हम श्रमजीवी महिलाओं ने इस देश में 1000 रुपए के संसाधन पैदा किए, 1000 रुपए पैदा किए, वो 1000 रुपए इस केंद्र के सत्ता को और सरकारों को भेजे, वो 1000 रुपए भेजे तो उसमें से 100 रुपए वापिस मनरेगा के नाम पर, पीडीएस के नाम पर, फ्री के राशन के नाम पर, स्कूल सड़क बनवाने के नाम पर भेजे, खर्च करे, उन 100 में से 15 वहां पहुंचे। लेकिन ज्यादा बड़ी सच्चाई यह है कि वो 100 रुपए देने के लिए आपको किसान ने दिए, आदिवासी ने दिए, महिलाओं ने दिए, श्रमजीवी ने दिए, मजदूर ने दिए, और 100 नहीं दिए उसने, तो 1000 दिए थे। ये एक बहुत सरलीकरण के साथ, इस बात को एक बहुत गहरे आंकड़ों के साथ हमें, हमको एक यूनिवर्सिटी खोलनी होगी, हमको लगातार अनुसंधान करने पड़ेंगे इस सत्य को स्थापित करने के लिए। नहीं तो इस देश में तो झूठ का कारोबार हो रहा है। लोग तो कहते हैं पोस्ट ट्रुथ का जमाना है। इस देश में इस समय एक ऐसा गृहमंत्री है जो कहता है कि हमारे पास सीधे 8 करोड़ लोगों तक बात पहुंचाने का आईटी स्ट्रक्चर है, सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर है। हम झूठ भी बोलेंगे तो वो तुरंत 8 करोड़ लोगों तक सोशल मीडिया के जो ट्रोल के माध्यम से, पेड आईटी वर्कर के माध्यम से पहुंचेगा। इनको गलतफहमी ये हो गई है कि ये देश जो है उनके जूते की नोक पर रखी हुई कोई चीज है। उनको गलतफहमी ये हो गई है कि इसको जिधर ले जाना चाहेंगे वो ले जाएंगे। हम अशफाकुल्ला के वारिस, हम अम्बेडकर के वारिस, हम भगत सिंह के वारिस, हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वारिस, हम राजगुरु सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के वारिस की घोषणा करते हैं कि देश जो है वो आपकी बपौती नहीं है, ये देश के आप मालिक नहीं है। इस देश का किसान, इस देश का आदिवासी, इस देश की महिला इस देश की मालिक है, और असल में वही उत्पादन करती है। असली उत्पादन, असली जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो उनके ही उत्पादन से पैदा होता है। आपकी चोरी आपके विश्वविद्यालयों की वजह से, आपके मीडिया की वजह से, और आपकी ब्यूरोक्रेसी की वजह से अभी आपका झूठ चल रहा है, लेकिन जल्द ही उस झूठ का पर्दाफाश होगा। जी राजीव भाई, इसको बहुत तरीके से बात कही जा सकती है, लेकिन मुझको लग रहा है कि मुझे बात बहुत लंबे प्रभाव में नहीं कहनी चाहिए। छोटे छोटे प्रश्न आए उनका मैं आपके साथ संवाद में उतरने की कोशिश करूं। एक झूठ ये भी फैलाया गया है कि देखो किसान को तो सब्सिडी दी जाती है, खाद पर सब्सिडी देते हैं बीच में। तो डॉक्टर बीडी शर्मा और ज्ञान सिंह जी ने ध्यान दिलाया कि भैया आपने जब खाद की सब्सिडी दी तो वो खाद किसान को सब्सिडी नहीं दी, आपने अगर ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी तो किसान को नहीं दी, आपने खाद की फैक्ट्री के उस पूंजीपति को सब्सिडी दी जो खाद बना रहा है। आपने केमिकल जो रासायनिक खादों का पूरा जो उद्योग है वो दूसरे विश्व युद्ध से पैदा होता है, आपने उसको जिंदा रखने के लिए ये प्रचारित किया कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर से खेती करनी है। इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जो जिसके लिए गाय और बैल हमको प्यारे थे, आपने इस देश को ट्रैक्टर को सब्सिडाइज करके
इस देश में रासायनिक खाद को सब्सिडाइज करके आपने गाय और बैल मारे, आप गौ के हत्यारे हैं, इस देश का किसान नहीं है, वो तो बचाना चाहता था, सच में उसके लिए माँ है, माँ कह देने से माँ नहीं होती, गाय माँ तब होती है जब उससे जुड़कर हम जीवन जीते हैं, जैसा कि भारत का किसान और आदिवासी जीता था। तो ये आप ये समझने की जरूरत है कि जो आधुनिक वो अर्थव्यवस्था है जिसमें कहा गया कि हम कृषि को सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो कृषि को सब्सिडाइज नहीं कर रहे थे, आपने भारत के उन पूंजीपतियों उन उद्योगपतियों को सब्सिडाइज किया जो कि उनके लिए कोई चीज बना रहे थे, किसान को आपने सब्सिडाइज नहीं किया, झूठ बोलना बंद करें। और इसी तरीके से आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, भाई जिसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई वो किसान तो भूखा मर रहा है और उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो है वो 1,00,000 रुपए की पेंशन ले रहा है, तो आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी देश के किसानों के लिए नहीं बनाई, एक वर्ग को पोषित करने के लिए, उन 5% लोगों को इस देश के संसाधनों को लूट कर उनको देने के लिए आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। हम पे ऐसा नहीं किया आपने, इस देश के किसान और आदिवासियों के ऊपर वो नहीं किया, और इस देश के ऊपर जितना भी विदेशी कर्जा है वो इस देश के 5% इलीट के ऊपर कर्जा है, इस देश के किसान के ऊपर कर्जा नहीं है। हम तो भारत जन आंदोलन की तरफ से भारत के ऊपर जो विदेशी कर्जा है उसका देनदार भारत का शासक वर्ग है, उसकी नाजायज संपत्ति को के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से उस कर्जे का भुगतान होगा, देंगे, भारत की संसद ने अगर मोहर लगा के उस कर्जे को लिया है तो उस कर्जे को वापस लेंगे, लेकिन उस कर्जे का देनदार भारत का आदिवासी नहीं है, भारत का बेरोजगार नौजवान नहीं है, भारत का किसान नहीं है, भारत का मजदूर नहीं है, उनके बेटे बेटियां नहीं है, उनका कर्जे का देनदार जो है भारत का वो शासक वर्ग है जिसने की 70 साल यहाँ पर मलाई खाई है और उस मलाई को लूट रहा। शुक्रिया पंडिका जी, मैं अंतिम क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद इस सत्र को और लोगों को भी खुला छोड़ेंगे जिससे लोग जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल के जो फर्टिलाइजर्स के न सिर्फ इन्होंने जमीनों के हेल्थ को खराब किया बल्कि इंसान के हेल्थ को भी खराब किया। आज हमारी जमीनों के हेल्थ में बहुत बुरी हालत है, किचमे मर गए हैं और इंसान स्थिति है कि जो जमीने हैं अब वो कैंसरस जो है जो उत्पादन है उसका कैंसर का कारण बन रहा है। तो अंतिम सवाल यही है कि जो खासतौर पे ये आ गया है कि जो अभी आंदोलन चल रहा है तो इसमें जो किसानों के जो अधिकार हैं उसमें कैसे दिन प्रतिदिन कटौती हो रही है और कैसे मल्टीनेशनल के अधिकार या कहें कि उनको उनके जो वो नहीं चाहते थे जैसे कि मतग्रहण वाला कानून में जमीन की बैंकिंग पे बहुत सारी बातचीत थी और ये था कि कैसे उसको वापस लेना पड़ा सरकार को, तो कैसे भूमि पर मल्टीनेशनल का कब्जा होने जा रहा है, फसलों पर कब्जा होने जा रहा है और आने वाली नस्लें किस तरह से उसके लिए मजबूर बना के मजदूर की हैसियत में उनको रखने की स्थिति बनाएंगे। तो इस सवाल पे मैं चाहूंगा कि अंतिम में आप बात रखें, इसके बाद तमाम साथी जो भी प्रश्न पूछना चाहेंगे उन लोगों के लिए आमंत्रित। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना ये चाहूंगा कि हम किसान जितने 3 कृषि बिल हैं, MSP का मामला है, इस पर हम एक एक बार अगर इसकी बारीकी में जाना चाहें तो बहुत बारीकी में जाकर बात कर सकते हैं, और यह किस तरह से काले कानून है ये इस पर हम बहुत गहराई से बात कर सकते हैं, अपनी अपनी बात को हम साबित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहली बात तो ये है कि ये 3 किसान विरोधी बिल, ये काले कानून भारत के दुश्मन नहीं है। भारत का दुश्मन तो वो आज एक ऐसी सरकार बैठी है जो कि भारत की संसद को का सम्मान नहीं करती, वो कंसल्टेशन को जरूरी नहीं मानती, वो भारत की न्यायपालिका को अपने अपनी संवैधानिक सर्वोच्चता से दूर कर देना चाहती है, जो भारत के मीडिया को खरीद देना चाहती है। तो ये इसीलिए अगर किसान आंदोलन ये कह रहा है कि भैया ज्यादा बातचीत और कुछ नहीं होगी, पहले तो ये वापिस लो आओ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ज्यादा बारीकी में हमें ज्यादा कानून मत पढ़ाओ, हम ज्यादा बारीकी में जाने का अभी जरूरत नहीं समझते, कहे वो चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये सरासर आप जब कोरोना काल में आप ही आप हम हमें ये बताओ, उन 10 किसान संगठनों का नाम बताओ जो आपके पास ये गए कहने के लिए कानून बनाओ, ये पूरी तरह से इस देश के सभी संसाधनों को एक कॉरपोरेट पूंजीवाद के हाथ में देने की बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश के जो भारतीय एजेंट हैं, हिंदुस्तानी लोकल एजेंट हैं, उनकी ये साजिश है, ये बिल्कुल जाहिर है। आप किसान से उसकी जमीनें लूट लेना चाहते हैं, किसान को अंबानी के मिल में, अडानी के मिल में एक उनके रहमो करम में पलने वाले मजदूर बना देना चाहते हैं, मामला ये है।
तो मुझको लगता है जितना समय है, क्योंकि उस अगर उस बारीकियों में जाएंगे तो हमको बहुत सारी बात करने की जरूरत पड़ेगी, तो कर सकते हैं, लेकिन हम अलग दिन भी कर सकते हैं। मतलब एक दो चीज मैं उदाहरण के लिए कहूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि किसान इस देश में जब 80% किसान सीमांत किसान है, छोटा किसान है, अब उस किसान की जिंदगी, मतलब इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या में जिसमें कि 65 करोड़ जनता एक वर्किंग पॉपुलेशन है, उसको कुछ हाथ का काम चाहिए, उसमें आपका मॉडल क्या होगा? आपका मॉडल क्या ये होगा जिसमें कि कम से कम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन में शामिल हो, या ऐसा आपका मॉडल होगा कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जीने का एक सहारा मिल सके, आनंद के साथ ईमानदारी के साथ उत्पादन में भागीदारी मिल सके, ज्यादा लोग ज्यादा उत्पादन करें मॉडल ये होगा, या कम लोग ज्यादा उत्पादन करें ये मॉडल होगा। तो ये पूरी तरह से भारत को जिस दिशा में जाना था उसको उल्टी दिशा में ले जाने की कोशिश है, और जमीनों को उस खेती किसानी जो कि परिवार केंद्रित है, जिसमें फैमिली लेबर होती है, उसे छीनने की कोशिश है। कहते नहीं देखो तो किसान तुम अनाड़ी हो, तुम वैज्ञानिक जानते नहीं हो, तुम तो बिल्कुल अज्ञानी हो, बेसऊर हो, पिछड़े हो, खेती ये जो है ना ये जैन साहब करेंगे, त्रिपाठी जी करेंगे, जैन साहब करेंगे, अग्रवाल साहब करेंगे, अंबानी जी करेंगे, जिंदल जी करेंगे, अडानी करेंगे, वो ये कह रहा है, देखो तुम्हारे बस की नहीं है। ये सबसे सरासर झूठ है, ये सबसे बड़ा अत्याचार है। इसी तरीके से एमएसपी भी जो बात है, मेरा कहना तो ये है कि जो अगर किसान आंदोलन ये कह रहा है कि एमएसपी पर कानून लाओ, अगर किसान आंदोलन ये कह रहा है कि जो लागत है उससे 1.5 गुना करके आप एमएसपी तय करो, तो वो तो जो वास्तव में न्याय संगत तरीके से चाहिए उससे बहुत कम मान रहा है। पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, पंकज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, शायद नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारे कानून भारत के जो पूरा उत्पादक वर्ग है उससे उसकी मानवीय गरिमा, उसकी जो ह्यूमन एजेंसी है, सबसे पहले उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता वो छीन लेने की कोशिश है। कानून बनाएंगे जो हमें समझ में आएगा वो बनाएंगे, हम तुमसे नहीं पूछेंगे, आप जूते की नोक पर रहना है रहो, नहीं तो हम आपको टेररिस्ट कहेंगे, मार देंगे, जेलों में डाल देंगे, अर्बन नक्सल कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, या तो ये है। ये साथ ही आपको ये कह देना चाहता है कि देखो ज्यादा बातें ना तो संसद से ज्यादा उम्मीद करो, ना सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद करो, ना मीडिया से, वो सारे के सारे इस एक कॉर्पोरेट पूंजीवाद चंद घरानों के मुट्ठी में रहेंगे। भारत का प्रधानमंत्री उनके हवाई जहाज में बैठकर जो है अपना चुनावी प्रचार करेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कानून ये पंकज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद पंकज जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जी पंकज जी, आप पंकज जी म्यूट हैं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे ख्याल से मुझको यहाँ रुकना चाहिए, और साथी कुछ और पूछना चाहे और साथी कुछ कहना चाहे उनको अवसर मिलना चाहिए। मैं अपने हिस्से का काफी कुछ कह चुका हूँ, बहुत सारी बातें शेष हैं। मैं निश्चित रूप से मैं आखिरी बात एक ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने जीवन के सबसे ज्यादा उत्साह, उमंग और आशा के दौर में हूं। इस किसान आंदोलन ने मेरा हीमोग्लोबिन लेवल लगभग 4 पॉइंट ऊपर बढ़ा दिया है, और मेरे ये पहली बार है कि जब हम गन्ने की कीमत पर लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये पहली बार है कि उत्तर का, दक्षिण का, पूर्व का, पश्चिम का किसान एक साथ खड़ा है, ये पहली बार है जब किसान और मजदूर एक साथ करके लड़ रहा है, ये पहली बार है जब किसान आंदोलन की जो संगठन है वो आगे खड़े हैं और राजनीतिक दल पीछे खड़े हैं, ये पहली बार है जब बेरोजगार नौजवान वो किसान के साथ खड़ा है, ये पहली बार है जब कलाकार, बुद्धिजीवी, कवि वो उसके साथ खड़ा है, ये पहली बार है जब इस देश के फासीवाद के उभार के दौर में उसको बता दिया गया है कि तुझसे पहले भी बहुत आए, तेरे बाद भी बहुत आएंगे, वो भी हमेशा नहीं रहे, तू भी हमेशा नहीं रहेगा, और बहुत सहा आए, बहुत सहा गए, तू भी जाएगा, इस आंदोलन ने वो बता दिया। इस आंदोलन ने उन शहीदों की विरासत को जीने वाले
हर आदमी के अंदर एक नई आशा उम्मीद उमंग भर दिया है, लेकिन इसके बाद भी ना तो चुनौतियां कम है ना आगे का काम कम है, अभी हमें बहुत लंबे रास्ते चलना है, लेकिन हम हंसते गाते झूमते हुए उत्सव के साथ हम हंसेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। शुक्रिया पंकज जी। साथियों, पंकज जी ने जैसे लास्ट में जो बात कही कि ये पहली बार है और ये बहुत ही उत्साह का दौर में है, जिस समय इस देश में फासीवाद अपने लगभग लगभग पूरे देश को कैप्चर कर चुका है, उस दौर में 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा आंदोलन हुआ, पिछली बार नागरिकता को लेकर 2019 में हुआ, 2020 में एक बड़ा किसान आंदोलन, और आगामी परिदृश्य में ये भी देखा जा रहा है कि भारत एक आंदोलनों का देश बनता जा रहा है, जहां पर राजनीतिक पार्टियां अप्रासंगिक हो गई हैं और जनता प्रासंगिक हो गई है, और जनता जब प्रासंगिक होती है तो उसकी प्रासंगिकता बहुत मायनों में नए बदलाव की, नया भारत कैसा होगा, इस दिशा में भी एक बहस है। तो मैं और साथियों से अनुरोध होगा कि जो उनके कुछ सवाल हों या वो अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो वो आमंत्रित है। हमारे साथ किक्की जी हैं, संधु और राजू कुशवाहा जी हैं, कार्तिक जी हैं, एमके सिंह जी हैं, प्रवीण भाई भी थे। तो अगर कोई आपके कुछ सवाल हो और कुछ बात हो जो आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। साथियों, जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई साथी बात नहीं रख रहा, कोई लगता सवाल इस तरह के नहीं है, लेकिन मैं जहां तक इस बात पे अंतिम सवाल बात करते हुए हम बात करेंगे पंकज जी से, जिस तरीके से इसमें आंदोलन को, जैसे कि 2018 में आंदोलन को कहा गया, जब SC ST Act को लेकर आंदोलन हुआ जिसमें 13 नौजवान शहीद हुए, उसमें कहा गया कि वो दलितों का था, और जो पिछला आंदोलन 2019 का जो नागरिकता का आंदोलन था असम में, जिसको कमलाइज कर दिया गया पूरे नागरिकता के सवाल को, और उसको कहा गया कि मुसलमानों का आंदोलन, बाद में कहा गया मुस्लिम महिलाओं का आंदोलन, और अभी इस बात को, इस आंदोलन को कहा गया कि सिखों का आंदोलन, खालिस्तान सपोर्टेड आंदोलन, तो भारत में आगामी आंदोलनों का क्या नैरेटिव होने लगता है कि क्या बनने जा रहा है, भारत कैसे आंदोलनों में नए आंदोलन कैसे उभरेंगे, और कैसे ये किसान आंदोलन उसमें एक बड़ा सेंटर पॉइंट बनेगा, और कैसे चीजें भारत में एक बड़े राजनीतिक दखल की दिशा में भी क्या ये किसान आंदोलन हमको ले जाएगा। मेरे लिए दरअसल एक सवाल यहाँ सुषमा डे जी के माध्यम से फेसबुक पर आया है कि विल बी वेट टिल 2024 इलेक्शंस टू रिमूव करंट गवर्नमेंट, टिल देन इज प्रोटेस्ट ओनली ऑप्शन। सवाल को हिंदी में पढ़ देता हूं कि क्या हम वर्तमान सरकार को हटाने के लिए 2024 के चुनाव तक प्रतीक्षा करेंगे, क्या तब तक केवल धरना प्रदर्शन करना, विरोध प्रदर्शन करना ही विकल्प है। मैं इन सवालों को भी ध्यान में रखते हुए, जो राजीव भाई ने कहा उनको ध्यान में रखते हुए दो चार बातें कहना चाहूंगा। बाकी मतलब मैं जो कह रहा हूं, मैं अपने समझ को आपके बीच साझा कर रहा हूं, तो जवाब नहीं है उन बात का। हम में से हर किसी को बहुत कुछ सोचना और कहना चाहिए, मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, आपसे ज्यादा नहीं है, मुझे सुनना भी है, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि देखिए, सवाल इस देश की राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत को बचाने का या खो देने का है, दूसरा सवाल इस देश के बाबा साहब अंबेडकर और शहीदों की सपनों को कानूनी ढांचा देने वाले संविधान को बचाने या बर्बाद कर देने का है, सवाल इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने या बर्बाद कर देने का है, और उससे भी बड़ा सवाल इस देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाने या बर्बाद कर देने का है, कि हम कैसा देश चाहते हैं, कि कैसा जिसमें कि हर कोई एक खुशहाल जिंदगी जिएगा, प्रकृति को भी बचाएगा, या फिर जिसमें कि एक बुलडोजर की तरह रौंदता हुआ 10 लोगों का ये मुल्क होगा और बाकी सब कीड़े मकोड़ों की तरह उसको बचाने। तो सवाल ये है, मेरी निगाह में 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि 1935 के चुनाव महत्वपूर्ण थे। 1935 के चुनाव में कोई खड़ा होता या नहीं होता, संघर्ष आगे बढ़ना था। तो मुझको कहना यह है कि हम, जैसा कि राजीव भाई ने कहा कि धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि राजनीतिक दल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं,
और जनता प्रासंगिक होती जा रही है। मैं इसको इस रूप में कहना चाहूंगा कि राजनीतिक दल और जनता के संबंध बदलते जा रहे हैं। जो राजनीतिक दलों ने जनता को 500 रुपए में बिकने वाला एक वोट बना दिया था, वो बात खत्म करनी है। वोट वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, राजनीतिक दलों को औकात में आना सीखना होगा, थोड़ा थोड़ा आ भी रहे। किसान आंदोलन के मंच पे राजनीतिक दल के लोग नीचे खड़े होकर बात करते हैं। किसान का जो बेटा बेटी है जो कि राजनीतिक दलों से मुक्त है, वो खड़े होकर ऊपर बात करेगा। दूसरा, राजनीतिक दल मतलब मुख्य चुनावी राजनीतिक दल जो अपने को तथाकथित राष्ट्रीय दल कहते हैं, वो और जो परिवर्तनकामी राजनीतिक दल हैं, सोशलिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दल हैं, समाजवादी जनपरिषद जैसे राजनीतिक दल हैं, या उस तरह कोई भी सर्वोदय कर्नाटक जैसा एक छोटा एक राजनीतिक दल है, या कोई बाबा साहब के सपनों को जीने वाला अगर वो ट्राइबल पार्टी है, इंडियन नेशनल ट्राइबल पार्टी है, या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इन सारी राजनीतिक पार्टियों का भी एक योगदान होगा ये सिद्ध करता है। आप छोटे छोटे राजनीतिक दल और जो राजनीतिक संगठन है, यहां जो 550 किसान संगठन मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं, मैं जोरदार सलाम करूंगा उन सभी लोगों को जो कि समन्वय में शामिल रहे हैं। इस मौके पर मैं योगेंद्र यादव जी को भी याद करूंगा, इस मौके पर मैं उस पूरी विरासत से जुड़े तमाम लोगों को भी याद करूंगा, सुनीलम को भी याद करूंगा, अपने समाजवादी दोस्त को, उस हम पूरे सब उन सारे लोगों को याद करेंगे, राज्यपाल जी को भी याद करेंगे, उग्राहा जी को भी याद करेंगे, जिन्होंने की 550 इस देश के संगठन के लोगों को एक साथ मंच पर लाने का अहद किया, संकल्प किया, लंबा प्रयास किया। और ये 550 संगठन कभी 5000 संगठनों का एक भी बनेंगे, इस तरह बनेंगे। तो इस देश का भविष्य बहुत अलग अलग आंदोलनों के एक एक सतरंगे सामूहिकता के रूप में चलेगा। जैसे कि जो अफ्रीकन नेशनल अफ्रीकन जो रंग भेद के खिलाफ जो अफ्रीका का जो आंदोलन था वो, और जो अफ्रीकी कांग्रेस थी उस समय की, वो कोई एक सिंगुलर पार्टी नहीं थी, उसमें सैकड़ों पार्टियां और छोटे छोटे संगठन मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का आज की कांग्रेस से उतना ही मतलब है जितना कि जमीन का आसमान से है, कहीं दूर मिलते हैं लेकिन दोनों अलग है। वो जो 1947 और 1942 से पहला का जो कांग्रेस है, वो भारत के सभी परिवर्तनकामी लोगों का एक बड़ा घर है, उनका उनका घर है, उनका घराना है, उनका घेर है, उनका तो वही हमको खड़ा करना है। यहाँ जनता कमान लेगी, छोटे छोटे आंदोलन, रचनात्मक आंदोलन, यहाँ का बेरोजगार नौजवान कमान संभालेगा, यहाँ का कलाकार, बुद्धिजीवी, लेखक, वो सत्ता की दलाली बंद करके जमीन पर आएगा, यहाँ के सिनेमा के कलाकार उनकी इशारों पर नाचने की जगह जनता की तरफ से खड़े होंगे, आवाम का सिनेमा खड़ा होगा, सहारलम भाई याद आ रहे हैं मुझको। तो ये सारी चीजें मिलकर भारत की आजादी की लड़ाई के बाकी बचे हुए काम को पूरा करेंगे। आने वाला समय हमारा है, मैं फिर वो नारा दोहराता हूं, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जो रचेगा वही बचेगा, जो पैदा करेगा वही खाएगा, सबको हम खिलाएंगे। लेकिन किसान इस देश में खिलाने वाला है, वो मांगने वाला नहीं है। इस देश की सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारे औद्योगिक तंत्र को, सारे यहाँ के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को वो पालता है, पोसता है, हमेशा पालेगा। इस देश के आदिवासी पालते हैं, वही चीजें चलेंगी। आने वाला समय वो निश्चित रूप से, आपने कहा कि पूरी दुनिया का केंद्र भारत की आंदोलन धर्मिता बनेगी, भारत पूरी दुनिया के लिए रास्ता खोलेगा। हम कम से कम सच नहीं कर पाते, लेकिन आज हम ये सपना देखते हैं, और हमने जितनी लंबी राष्ट्रीय संघर्ष लड़ा है, हम उसके लिए तैयार हैं। मेरे जीते जी नहीं होगा, भगत सिंह के जीते जी नहीं हुआ, लेकिन भगत सिंह तब भी प्रासंगिक थे, भगत सिंह आज भी प्रासंगिक है, भगत सिंह तब भी जिंदा थे, भगत सिंह आज भी जिंदा है, हमारे रगों में बह रहे हैं, हम भी, हम में से बहुत मर जाएंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा, उस काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। आप म्यूट हैं। शुक्रिया पंकज जी, हम लोग को आपसे बात करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा, और आने वाले समयों में हम लोग इस पे और गंभीरता से, खासतौर पे जीडीपी वाले सवाल पे हम लोग फिर से बात करेंगे। और एक सवाल इस बात का है कि जो आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर देश में, पूरा देश किस तरह से गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया और किसान परेड हुई,
उसने एक नए भारत को आंदोलनों का एक देश है इस बात को मजबूत किया, और आने वाले दिनों में हम कैसे और आंदोलनों को अपने मजबूत करेंगे इसी आशा विश्वास के साथ, और आने वाले दिनों में हम कैसे और कुछ बातचीत कर पाते हैं और कुछ आप कहना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस हैं उनका भी आप जवाब दें। हाँ, क्वेश्चन तो ये सामने मेरे आया है कि बंगाल का किसान क्यों नहीं जुड़ रहा है, है? तो किसान मतलब बंगाल का क्यों नहीं जुड़ रहा है, सवाल ये नहीं है। जहां का जुड़ रहा है मतलब जब चारों तरफ से हमला हो रहा है, जब चुटकुला सुनाने पर जेल हो जाती है, जब बर्बर राव को 2 साल सलाखों के पीछे बिना किसी ट्रायल के रखा जाता है, जब खालिद सैफी को बिना किसी गलती के जेल में सड़ा दिया जाता है, उस अवधि में अगर पंजाब और हरियाणा का, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का किसान बोल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो सब बोलेगा। अभी धीरे धीरे भारत में गर्मी, पूरे हिंदुस्तान में मौसम एक साथ गर्मी नहीं आती, भारत बहुत बड़ा महादेश है, इसलिए पूरा भारत एक साथ खड़ा होगा, इसकी ना हमको प्रतीक्षा है ना इसकी जरूरत है। भारत अलग अलग, भारत के 550 अंचल है, भारत एक महादेश है, वो अपने बंगाल का किसान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, वो भी करेगा, तो उसकी चिंता ना करें। मैं आपकी अनुमति लेने से पहले मैं 2 लाइन जरूर गुनगुनाना चाहूंगा, अगर राजीव भाई मुझे अनुमति दें कि 2 लाइन गुनगुना के मैं कहूंगा कि कुछ लोगों के लिए ये भाषण बहुत बोर हो गया होगा, तो उनकी स्मृति में देने के लिए मैं 2 पंक्ति में बात कह दूं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून से नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजमगढ़ की मिट्टी से निकले हुए इस गीत की सौगंध खा के हम कहते हैं कैसी आजमी की उन शब्दों को, मोहम्मद रफी की उस आवाज को, मदन मोहन के उस संगीत की कसम खा के हम कहते हैं कि ये गीत हमारी रगों में हमेशा जिंदा रहेगा, और हम बचे हुए काम को पूरा करेंगे हंसते गाते हुए। शुक्रिया पंकज जी। एक लाइन मुझे भी याद आ रही थी, अब हमारी हिम्मत का जलवा गैर की महफिल में, मतलब कि गैर भी जो है उसको नींद नहीं आती है इतना बड़ा किसान आंदोलन देखकर। अभी किसी साथी का सवाल था कि हरदोई की पंचायत का क्या रहा, हरदोई में अच्छी पंचायत रही, और आने वाले दिनों में 7 तारीख को फिर से एक पंचायत है, और 6 तारीख को मुरादाबाद में है, और 6 तारीख को ही पूर्वांचल के लगभग 8 जिलों की एक बैठक सर्व सेवा संघ वाराणसी में हो रही है, जो साथी वहां पर जाना चाहें और वहां पर आमंत्रित हैं, और 7 मार्च को हरदोई में ही एक वहां पर रविंद्र भाई हैं, उनके वो उनके गांव के पास पंचायत है, उसका डिटेल हम आप लोग सबको शेयर कर देंगे। और आने वाले दिनों में सबसे अच्छा रहा कि संदीप जी के इनिशिएटिव पे जो है पूर्वांचल, अवध बेल्ट और बुंदेलखंड में अगर इधर देखा जाए तो पहली पंचायत हरदोई की रही, उसके बाद लगातार लोगों का हिम्मत बढ़ा है, और आने वाले दिनों में पूर्वांचल और बिहार की रेंज में हमारी कोशिश है कि फिर से लगातार आंदोलनों का एक वेग बढ़े, इससे कि आने वाले समय में बंगाल में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी ये सवाल प्रमुख रूप से वहां पर भी बने। और इसी के साथ चूंकि वक्त हो चुका है और 8 बज चुके हैं, तो फिर से हम लोग जल्द मिलेंगे। पंकज पुष्कर जी का धन्यवाद जिन्होंने वक्त दिया, और आप सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पर सुना, और इस पूरी फेसबुक लाइव है और उसके लिंक को आप लोग और लोग तक शेयर करिए। हम जल्द किसी अन्य सवालों को लेकर भी पंकज जी के साथ फिर बात करेंगे। शिक्षा, धन्यवाद।